शिवसेना युवा सेना द्वारा शाखा क्रमांक 86 में नौपाड़ा प्रीमियर लीग 2022 का शानदार आयोजन। जी आपको बता दें कि अंधेरी पूर्व के मरोल नाका स्थित साई भंडारा मैदान में शनिवार और रविवार का दो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट युवा सेना के डेसिंग नेता रितेश कमलेश राय द्वारा नौपाड़ा प्रीमियर लीग 2022 का शानदार आयोजन किया गया। बता दें कि रविवार की शाम जब रितेश राय साई भंडारा मैदान में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले बैटिंग और बॉलिंग कर क्रिकेट का लुत्फ उठाया, साथ ही इस टूर्नामेंट में शामिल सभी टीमों का प्रोत्साहन किया। रितेश राय का कहना है कि आज युवा वर्ग तेजी से इस तरह के खेलों से वंचित होता जा रहा है और नशे में डूब रहा है, मोबाइल में व्यस्त हो रहा है, अपनों से, अपने मित्रों से, आसपास के लोगों से दूर होता जा रहा है। इस तरह के खेल के आयोजन से सारे युवाओं को एक मंच पर लाने का काम रितेश राय कर रहे हैं। सभी को एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाना चाहिए और खेल हो या कोई भी सामाजिक कार्य हमेशा साथ में मिलकर करना चाहिए, जिसमें रितेश राय हमेशा आगे रहते हैं, लोगों के बीच बने रहते हैं, सुख हो या दुख हो हमेशा आम जनमानस के बीच रहकर हर संभव मदद करते रहते हैं। यही कारण है कि युवाओं में रितेश राय का काफ़ी क्रेज है, लोग उन्हें एक अच्छे युवा डेसिंग नेता के रूप में पसंद करते हैं। आज ये नौपाड़ा प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज किया गया है 2022। हम हर एरिया में ये छोटा छोटा टूर्नामेंट कर रहे हैं कि एरिया के अलग अलग पट्टे के जो लड़के वो एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से एकता मिलाए और हर संडे यहाँ पर आके ये गेम खेले। और ये एक तरह से हम ये टूर्नामेंट करने का हमारा हेतु ये है कि लोग जिसे नशे की तरफ और दूसरे चीज़ों की तरफ भाग रहे, उस चीज़ों से हमें उन्हें बचाना है और खेल की तरफ उनको आकर्षित करना है। जैसे अपने खेल की बात की तो यहाँ पे कुल कितनी टीमें आज खेल रही हैं और कहाँ कहाँ से टीमें आई हैं? आज इस प्रीमियर लीग में नौपाड़ा की 8 टीम खेल रही है जो इसी एरिया के, और सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज इस लीग के टारगेट से आज सब एक दूसरे से घुल रहे, मिल रहे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे और ये टूर्नामेंट को पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे। कितने दिन का खेल है और क्या कुछ इनाम रखा? ये 2 दिन का खेल है और 10,000-7,000 कैश प्राइज है और ट्रॉफी है। ठीक है, जिस तरह से आपने बात की नशे की, तो युवा नशे की लत में तो जा रहा है, उसके बाद मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जो सारे गेम्स हैं उसमें भी लिप्त रहता है। यस, उसको यही बोलना चाहता हूँ कि भैया, जैसे कि आप जानते हैं पहले लोग खेल की तरफ बहुत आकर्षित थे तो डायबिटीज़ वगैरह दूसरे टाइप की बीमारियां उनको जल्दी होती नहीं थी। अब लोग हैं जो यूथ है, यंगस्टर है, वो अपने मोबाइल में पबजी गेम खेल रहे हैं, उसके बाद शाम को रोज़ जो भी नशा पानी की चीज़ें वो करके अपना घर पे जाके आदमी आराम कर रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को अब रोकना है। अब समय आ चुका है और ये खेल ही एक रास्ता है जिससे रोका जा सकता है। आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप किस खेल में रुचि रखते हैं? मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। हाँ, फुटबॉल का भी आयोजन होगा, अभी बहुत ही बड़े स्तर पर सहार ग्राउंड अभी उसका काम चल रहा है, उस ग्राउंड का काम जैसे ही खत्म होगा फुटबॉल का आयोजन होगा। ठीक है, आपके प्रेरक हैं आदित्य ठाकरे, तो उनके साथ कभी आपने मतलब इस तरह से खेलने का मौका मिला है, कहीं आने जाने का? खेलने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया है कि आप खेल कूद का कार्यक्रम रखिए और यूथ को खेल कूद के तरफ आकर्षित करिए। बस इसी के साथ उनके नीतियों पे हम लोग चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। युवा सेना और किस तरह की नीतियाँ अपना रही है लोगों को, मतलब युवा सेना रोजगार पे ध्यान दे रही है, युवा सेना एडुकेशन पे ध्यान दे रही है, युवा सेना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, युवा सेना खेल पे ध्यान दे रही है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो युवा सेना नहीं कर रही है, वो हर तरीके से कोशिश कर रही है कि इस महाराष्ट्र का युवा हमसे जुड़े और आगे चल के हमारे साथ काम करे। खेलने के लिए प्रेरित करते हैं तो रितेश राय जी ने और कमलेश राय जी ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है, जहाँ पे युवा को एक साथ खेलने का मौका मिले। क्रिकेट पे ज़्यादा लोग, मतलब अभी सब लड़के लोग मोबाइल या अपने अपने इसमें धुन रहते हैं,
जो एक एक खेल है उससे सब जन एकजुट होते हैं, एकजुट खेल के इंजॉय कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट हो रहा है। जहाँ के यहाँ पे नौपाड़ा में सब जन एक साथ मिल के खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं खास करके धन्यवाद मानूंगा कमलेश राय जी का और रितेश राय जी का कि इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। ठीक है, आपकी भी टीम खेल रही है? हाँ, हमारी भी टीम खेल रही है, स्पार्टन टीम है, नौपाड़ा स्पार्टन। अच्छा, यस, बहुत अच्छी तरह खेल रही है। हाँ, फर्स्ट प्राइज हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि फर्स्ट प्राइज हम लोग जीते। देखिए अभी टीम क्या करती है, उसे इस हिसाब से खेल रहे हैं। खेल को देखते हुए बहुत ही अच्छा मतलब रखा गया प्रीमियर लीग, जो जैसे भैया रितेश भैया जैसा रखा है, जो हिसाब से बहुत अच्छे 80 अच्छे लोग आ गए हैं यहाँ पे जो खेल रहे हैं हमारे साथ। 80 लोग हैं जो टीम अपना 10-10 का बनाए ग्रुप, बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को बहुत मजा आ रहा है इसमें। रितेश राय ने एक बात कही कि एक साथ लोग रहते नहीं, कभी बातें नहीं करते, तो ऐसा ये यहाँ फिलहाल ऐसा तो बहुत कुछ है, लेकिन आज बहुत नौपाड़े में से बहुत दूसरे दूसरे साथ साथ आकर के खेलने को मिला और बहुत उत्साहित लग रहे हैं। बहुत लड़के लोग भी बहुत अच्छे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे भैया ने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चांगले वाटते आम्हाला की प्रीमियर लीग ठेवलाय म्हणून रितेश रायने, त्याने आम्हाला भरपूर सपोर्ट केला क्रिकेटमध्ये पण। आणि ॲक्च्युली बघायला गेलं तर आम्हाला कधी पण आमच्या टुर्नामेंट असतील तर आम्ही त्यांच्याकडे गेलो की आम्हाला ऑर्गनाईज करा, तर ते कधी पण असं मागे हटत नाही, ते बिंदास बोलतात की तुम्ही मॅच ठेवा, मी तुम्हाला सपोर्ट करतो। आणि म्हणजे बोलायला गेलं तर त्यांनी असं केलं की हिंदू मुस्लिम शीख साई हे सगळं ते भेदभाव कधी मानत नाही, ते की सगळे मुलं ही आपलीच आहेत, त्यांना एकत्र घेऊन आपण खेळायचं क्रिकेट कधी पण। आणि जे त्यांचं काय मनोरंजन चांगलंच असतं, एक आयोजित चांगलं पण करतात, अशा प्रकारे आम्हाला क्रिकेट खेळायला सपोर्ट करतात ते कधी पण। आयोजन तर खूप चांगलं करतात ते, आणि याच्यापुढे पण आम्हाला सर्व गोष्टीमध्ये आयोजन करतील असं ते आशा करतो आम्ही त्यांच्याकडून।